हाय, क्या आपने कभी कुट्टू के आटे के पकोड़े खाए हैं? इसे हम फाफर का आटा भी बोलते हैं और सिंघारा का आटा भी बोलते हैं। ये देखिए, आज संडे था, मुझे बहुत मन था। ये फाफर का आटा मैं कोलकाता से लेके आई थी और मैंने सोचा आज ही इसको बनाते हैं आप लोग को। जस्ट लिसन दिस मंचिंग साउंड, बहुत यमी बना था और अभी तक तो मैं इसे खा भी चुकी हूँ। मैं बाद में इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं आपको भी बताती हूँ कैसे बनता है। बहुत सिंपल है। कुट्टू का आटा ले आइए और आप थोड़ा स्मैश पटेटो, ग्रीन चिली एंड अनियन रेडी रखिए, एंड उसे डाल के फिर उसमें आप स्वाद अनुसार नमक, गोल मिर्च एंड रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, एंड इसे अच्छे से मथना है। और इसके अंदर आपको कुट्टू का आटा डाल के इसे प्यार से, अच्छे से, बिना किसी शर्म के, एकदम हाथ से अच्छे से आपको इसे रेडी करना है। एंड ये थोड़ा ड्राई ड्राई ही रहेगा ताकि अच्छा बने। नाउ विद दिस आई एम रेडी टू फ्राई दिस पकौड़ा। इट्स सो सिंपल। तो मन भर के मैंने खूब सारा तेल डाला ताकि पकोड़े अच्छे बने। बचा हुआ तेल मैं बाद में कभी भी यूज़ कर लूँगी, बट पकोड़े अच्छे बनने चाहिए। और ये मैं वन बाय वन देख लीजिए जैसे डालते हैं, आपको तो पता ही होगा। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि आई एम 100% श्योर आपने नहीं खाया होगा। हमारे मारवाड़ीज लोग में लाइक कोई फलिहार बोल के जो व्रत होता है उसी में बनता है। मम्मी बनाती थी और मुझे बहुत पसंद है। हम तो इनफैक्ट नेक्स्ट डे तक के लिए भी इसे फ्राई किया हुआ रख लेते थे और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खा देते। सो इसे जस्ट गोल्डन फ्राई करना है, एंड ये फ्राई होने में थोड़ा टाइम लेगा। आपको पेशेंटली इसे धीमे आँच में बनाना है। फलिहार में इसमें अनियन नहीं डलता है, मैंने आज ऐड किया है। एंड ये रेडी है, सो इट्स रेडी टू ईट। इट्स सो क्रिस्पी एंड सो यम्मी, एंड सॉल्ट पेपर सब कुछ बहुत सही था। इसे आप चाहे तो थोड़ा दही के साथ भी खा सकते हैं, थोड़ा टमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।